नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव और हमारी टीम इस समय मोतीपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर उपस्थित है और पंचायत सरकार भवन आज अखबार की सुर्खियों में है, चर्चा में बना हुआ है, तो खबर है और खबर को कवर करने हम भी आए हैं। आज खबर छपा है, पंचायत सरकार भवन बना सिंचाई विभाग के संवेदक का गोदाम। और निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि पंचायत सरकार भवन पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए बना है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए इस पंचायत के मुखिया झुन्नू मिश्रा और जितेंद्र मिश्रा हैं और पंचायत के सरपंच उमेश यादव जी हैं। ये जो तमाम इल्जाम लगा है इस पे क्या कहते हैं और क्या सच्चाई है, ये तह तक हम आपको दिखाने वाले हैं। तो खबर में आप बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी सच्चाई है, गोदाम बना है या नहीं बना है। तो तमाम बातें, बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। और जो आज इल्जाम लगा है आपका जो पंचायत सरकार भवन है सुर्खियों में, जिले के अधिकारियों ने कहा भी है कि जांच होगी और कार्रवाई करेंगे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरे पंचायत वार्ड नंबर 3 मरक टोला में अगली वर्ष भी एंटी रोजन का काम होगा गांव को बचाने के लिए। और इस बार भी बिहार सरकार से टेंडर निकला और संवेदक का टेंडर पड़ा और वार्ड नंबर 3 को बचाने के लिए इस बार भी टेंडर निकला हुआ है, उसको बचाने का कार्य किया जा रहा है। उसी तहत मेरे पंचायत में कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां गिट्टी बालू गिर सके, तो पंचायत सरकार भवन के बगल में सरकारी भूमि है, भूमि में वार्ड नंबर 3 को बचाने के लिए, मोतीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 को बचाने के लिए गिट्टी गिरा के ट्रैक्टर से यहाँ से ढुलाई हो रहा है। इसी पर आरोप लगाया गया है कि मुखिया और सरपंच पर कि पंचायत सरकार भवन को सिंचाई विभाग के संवेदक को दे दिए हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप पंचायत भवन के हर रूम को ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, अगर सीमेंट रखा गया है तो हमारे ऊपर अधिकारी, यहाँ के प्रखंड स्तरीय अधिकारी महोदय के द्वारा बयान उसमें भी निकला है कि जांच कर कार्रवाई होगी। तो श्रीमान जी से मेरा आग्रह है और जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि जांच कर पूर्व से अभी तक जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। अगर हम निश्चित रूप से एक जो कार्रवाई की मांग चल रही है और मुखिया ने खुद कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो यह अहम बात है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जितने भी कमरे मौजूद हैं, कमरे में क्या है, क्या रखा गया है, जो गोदाम बनाया गया है इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपको वीडियो में जरूर दिखाई देगा। और जो एक अहम बात कहा मुखिया जी ने कि इन्हीं के पंचायत के वार्ड नंबर 3 हरक टोला में कटाव हो रहा है और उस जगह से सबसे नजदीक अगर कोई सरकारी भूमि है तो पंचायत सरकार भवन के बगल में है, वहीं पे संपेदक जो वहां काम करता है, गिट्टी बालू हालांकि रखा गया है लेकिन पंचायत सरकार भवन से उसका कोई लेना देना नहीं है। पंचायत सरकार भवन के नजदीक है लेकिन पंचायत सरकार भवन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया है। सरपंच साहब है जी, उमेश यादव जी, तो इसमें आपके बयान का चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मैं बता दूं हमारी पंचायत जो है बाढ़ पीड़ित से ग्रसित, पिछली बार भी बहुत कटान हुआ, अब इस अति संवेदनशील अति मने क्या कहा जाता है उसको आपदा में, इस संकट में अगर हम पंचायत के लोगों को अपने वार्ड के लोगों को मदद नहीं करूंगा तो किस स्थिति में करूंगा। मुझे दुख हो रहा है जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों पर जो वो मदद नहीं कर रहे हैं, इस कार्य में बाधा भी लग रही, क्योंकि वो लोग त्राही त्राही माम लगे हुए हैं, घर द्वार पर के सब लोग प्लान कर गए कहीं यूपी में कहीं बांधे में, उन लोगों की सरकारी भवन के जस्ट बगल में प्रांगण में गिट्टी यानी सीमेंट या बालू ही रखा गया है, तो कितनी मने में नुकसानदायक है। अब ये सोच लीजिए जो आरोप लगाने वाले लोगों को क्या कहा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ इल्जाम की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ जब इन दोनों से बातें हुआ तो ऐसा भी लग रहा है कि मानवता भी शर्मसार है। इसी पंचायत के लोग नदी के जग में जाने वाले हैं और उसके बचाव कार्य हो रहा है और उसी बचाव कार्य के लिए जो मटेरियल बगल में रखा गया है, लेकिन इल्जाम राजनीतिक। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा लगभग सभी रूमों का और सभी रूम में क्या रखा है, अगर ये आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इल्जाम पूरी तरह से राजनीतिक है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पटना न्यूज 24 लाइव।